आपका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में। आज फिर से एक नए सेट को लेकर के आप लोगों के सामने आ गए। चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म डैश होता है। तो किसी भी अल्टरनेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसका वेव फॉर्म साइनसोइडल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु पिच कुंडलन शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स प्रत्यावर्तक को क्या हानि होगी? ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में प्रत्यावर्तक को क्या हानि होगी? तो कुल वोल्टता कम होगी। ठीक है, जो भी वोल्टेज होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, कुल वोल्टता कम होगी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जो ई इक्वल्स टू होता है कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सी वी स्क्वायर अपॉन टू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू सी वी स्क्वायर अपॉन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी ज्यामितीय वोल्टता स्रोत में श्रृंखला के रूप में जोड़े गए संधारित्र तथा प्रतिरोध पर विचार करें। संधारित्र के आर पार की वोल्टता प्रतिरोध के आर पार की वोल्टता की तुलना में कितना डिग्री थीटा डिग्री कोण तक पश्चगामी है? थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान कितना होगा? -90 डिग्री। क्यों -90 डिग्री होगा? तो आपको पूछ रहा है, जब भी हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वोल्टेज को नीचे रखते हैं और करंट को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो कितना डिग्री है कैपेसिटर में? 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, और ये आपको कैपेसिटर का हो गया। और वही अगर रेसिस्टेंस का बनाना है तो रेसिस्टेंस का किस तरह का होगा? वोल्टेज का भी और आई का भी इन फेज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए -90 डिग्री का वेवफॉर्म चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है? ठीक है, तो ओम के नियम का पालन क्या चीज़ नहीं करता है? ठीक है, तो अर्धचालक अर्धचालक नहीं करता है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर नहीं करता है, थर्मिस्टर थर्मिस्टर भी नहीं करता है, वैक्यूम ट्यूब में भी ओम का नियम नहीं होता है। तो इन सभी में ओम का नियम नहीं काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? तो इसका हो जाएगा अर्धचालक। अभी हम लोग देखें इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अर्धचालक वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इस सब पे ओम का नियम नहीं होता, अर्धचालक पे ओम का नियम कार्य नहीं करता है। इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय घटक डायोड। ठीक है, डायोड करेक्ट आंसर होगा, या एक निष्क्रिय घटक नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए डायोड। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विषमवाहक मतलब कि इंसुलेटर विषमवाहक इंसुलेटर का लक्ष्य है? ठीक है, लक्षण है, सॉरी लक्षण है। तो एक अच्छे इंसुलेटर का क्या लक्षण होता है? तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होता है? अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होता है? तो कौन सा गुण होता है? उच्च विद्युत शोषण गुण नहीं, ये कुचालक में नहीं होता। ठीक है, न्यून परावैद्युतिक शक्ति, ये भी ये ज़्यादा होता है परावैद्युतिक शक्ति, या न्यून लिखा उच्च भंजक वोल्टता, उच्च भंजक वोल्टता। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि वंजक वोल्टता रेसिस्टेंस। ठीक है, कुछ अलग इसमें उच्च वंजक वोल्टता। ठीक है, बाधा वोल्टेज में ब्रेकर।
ये अधिक होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, पैरा विद्युतिक बल किसका तात्विक तावी गुणधर्म है, ठीक है, तो पैरा विद्युतिक बल किसका है, तो अवरोधक का, अवरोधक। ऑप्शंस में पैरा विद्युतिक में कौन सा आता है, संचालक, अवरोधक, अर्धचालक, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक, सॉरी अवरोधक, अवरोधक किस में आता है, तो पैरा विद्युतिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, एक अच्छे कुचालक की विशेषता निम्न विकल्पों में से कौन सी है, एक अच्छे कुचालक की विशेषता, ठीक है, तो एक अच्छे कुचालक की विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो उच्च विद्युत क्षमता एवं उच्च प्रतिरोध, ठीक है, अच्छे कुचालक, हाई रेसिस्टेंस एंड हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी, ठीक है, तो ये एक अच्छे कुचालक की प्रॉपर्टी होती है। विद्युत केबलों या उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने वाले को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, CTC, ठीक है, CTC का इस्तेमाल करते हैं अगर ये बिजली से लगी हुई आग हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो फैन का नहीं करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, फैन या झाग का प्रयोग, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गति नियंत्रक की कौन सी पद्धति को DC श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है, गति नियंत्रक के लिए, तो श्रेणी समांतर पद्धति गति नियंत्रण DC श्रेणी मोटर में प्रयोग किया जाता है, श्रेणी समांतर पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डैश शक्ति निर्धारित वाले दिष्ट धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, डैश शक्ति कितने शक्ति के लिए, तो 4000 से 8000 वाट के लिए, ठीक है, 4000 से 8000 वाट वाले मोटर के लिए ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। DC मोटर में छुटपुट हास का मापने के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं, रनिंग डाउन टेस्ट, ठीक है, रनिंग डाउन टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, करेक्ट आंसर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, DC जनरेटर में डैश पूर्ण भार हास में लगभग 30% से 40% का योगदान रहता है, तो स्ट्रे हास, ठीक है, स्ट्रे हानि का पूर्ण भार प्रयोग रहता है, ठीक है, स्ट्रे हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, आर्मेचर कुंडली में कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फील्ड हानि, ठीक है, आर्मेचर कुंडली में प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है उसको फील्ड हानि कहते हैं, ठीक है। DC जनरेटर में लो हानि के अंतर्गत निम्नलिखित हानियाँ आती है, तो कौन कौन सी हानि आती है लो हानि के अंदर, एक आता है हिस्टेरेसिस और एक आता है ED करेंट, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शैतल्य और भंवर धारा, शैतल्य और भंवर धारा, ठीक है। चलिए हमारा सेट यहीं पे ख़त्म होता है और आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।